ऐसा लगता है चार साल का कार्यकाल पूरा करते ही मोदी सरकार और बीजेपी ने अगले आम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में अमित शाह आज पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सुहाग से मुलाकात करेंगे। वहीं लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। अब की बार मुकाबला होगा आर या पार। इलेक्शन मोड में आई बीजेपी और सरकार। 26 मई को सरकार के चार साल पूरे होते ही प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष पूरी तरह चुनाव के मूड में आ गए हैं। दोनों नेताओं ने एक तरह से चुनाव के लिए प्रचार और जनसंपर्क शुरू कर दिया है। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का काम चल रहा है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने कल उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं से बात की और आज मोदी नमो ऐप के जरिए उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें सरकार की मुद्रा योजना से लाभ हुआ है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने लोगों से मिलेंगे और उन्हें सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसी सिलसिले में अमित शाह आज गुरुग्राम जाकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से मुलाकात करेंगे। ये संयोग ही रहा था कि मोदी सरकार मई 2014 में बनी थी और दलबीर सुहाग जुलाई 2014 में आर्मी चीफ बने थे। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए, बात चाहे वन रैंक वन पेंशन की हो, पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को मंजूरी देने की। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी कई बार बॉर्डर पर उनके बीच जाकर दिवाली मना चुके हैं। माना जा रहा है कि दलबीर सुहाग से मुलाकात के दौरान अमित शाह उन्हें रक्षा और सेना के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए फैसलों की जानकारी देंगे। 3 दिन पहले मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर अमित शाह जब मीडिया से रूबरू हुए थे तब भी उन्होंने डिफेंस सेक्टर में मोदी सरकार के लिए फैसलों का जिक्र किया था। वन रैंक वन पेंशन का मसला 40 साल से देश का जवान इसकी मांग करता था, कोई समाप्त नहीं कर सकता था। 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की समस्या को समाप्त कर अपनी जवानी को पहाड़ों पर ठंडियों में और रेगिस्तान में गलाने वाले जवानों के परिवारों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला कर हमारे बहादुर जवानों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देकर दुनिया के नक्शे पर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला देश का परिचय हमने दुनिया को कराया है। इसके बाद अमित शाह कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप से मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और हाल ही में कर्नाटक के राजनीतिक संकट के दौरान मोदी सरकार की भूमिका पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे में अमित शाह का लोकसभा के पूर्व महासचिव और जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से मिलना काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह जिस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उसे मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता और करीब 4000 कार्यकर्ता भी आगे बढ़ाएंगे। आज से शुरू हो रही इस मुहिम के तहत मोदी सरकार और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करीब 1 लाख जाने माने लोगों से मिलेंगे और सरकार की सफलताओं की जानकारी उन्हें देंगे। आज ही लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें दोनों नेता मोदी सरकार के काम का लेखा जोखा पेश करेंगे।